एक्ट्रेस राखी सावंत अक्सर अपने ड्रामे आते कंट्रोवर्सीज के कारण सुर्खियां दे विच बनी रहिंदी है। इस दे वल्लों पहला क्रिश्चियन धर्म नू अपनाया गया आते हुण मुस्लिम धर्म नू अपनाया गया है। फातिमा जी को बुलाइए। ओ क्या बात है, फातिमा जी इधर इधर, फातिमा 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 इधर देखिए, फातिमा जी आइए आइए, फातिमा जी, फातिमा जी इधर इधर को, इधर 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 सामने सामने, राखी क्या बात है, क्या बात है, कैसा रहा सफर, क्या नूर है, अरे मोबाइल डाल देंगे क्या, अरे बताते विचार, सॉरी चलो चलो पीछे चलो, अरे वाह चल चक्कर दे चलो भाई खाली राखी काफी एलिगेशन लग रहे हैं, 200 करोड़ का डिफेमेशन केस भी लग रहा है आपके ऊपर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्योंकि आप इंडिया में काफी दिनों से नहीं थे तो आपके पीठ पीछे 200 करोड़ का डेफिमेशन केस लग रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी उमरा करके आई हूँ, पावन धरती पर गई थी मैं, वहाँ पे पाप जगह पर, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ड्रामा कर रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। हिंदू धर्म में कभी कोई खराबी नहीं, मैंने मुस्लिम में शादी करी थी, निकाह किया था, तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं इस्लाम कबूल करते हैं, तो आप पिछले एक साल से मैं हूँ, एक साल से शादीशुदा हूँ आदिल के साथ, तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं, तो ये तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया था मक्का मदीना, और बस सफर कैसा रहा, सफर कैसा रहा, मेरा कभी भी नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल, कहीं किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, ये मेरे सुलेमान भाई है दुबई से, उन्होंने मेरा वीज़ा बनाया। तो राखी आप एक और कहा जा रहा है कि आपका नाम चेंज नहीं हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, पर फिर भी आपने उमरा किया है, सवाल ही उठता नहीं है, गलत बात है। तो क्या आपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम चेंज कर लिया है? वक्त बताएगा। और सुनो, ये जो वेल्ले बैठे हैं ना, ये ड्रामेबाज, ये जो मेरे नाम की पब्लिसिटी राखी राखी करके मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, वो जो मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, मुझे उनसे दूर रखिए प्लीज, मैं एक नेक और खुदा को बिलीव करने वाली हूँ। आप लोग मुझे बोल, जो मुसलमान होकर, जो पैदाइशी मुसलमान होकर, एक मिनट, मंदिर जाते हैं जाते हैं, अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली, उन मेरा बुलावा आया, तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दिया। चलिए एक मिनट, मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, रंजीत भाई थोड़ा पीछे और एक मिनट, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा, रंजीत भाई
ये मेरे पीछे से पब्लिसिटी कोई खाने की कोशिश ना करे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा बुलावा आया। बड़े बड़े अमीर तुर्रम खान बैठे हुए हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, उनका बुलावा आया नहीं है, लेकिन तुम्हारी राखी सच्ची है। खुदा को लगा कि ये लड़की सच्ची है, और मैंने रोज़े रखे परफेक्ट। मैं पिछले एक जब से आदिल से शादी करी कुछ पिछले एक साल से बरोबर मैं इस्लामिक हूँ और रोज़े किए, नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरा बुलावा आ गया तो अल्लाह ने मुझे बुलाया, खुदा ने बुलाया, बस और क्या चाहिए। अच्छा, आपके आपका इंस्टाग्राम के बारे में भी कहा जा रहा था कि आपने ही डिसेबल किया था और बाद में आपने ही उसको एक्टिवेट कर लिया। मेरा रातों रात इंस्टाग्राम जो है वो गायब हो गया था। मैं वाहिद भाई रोते रोते हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे कंप्लेंट किया, और कंप्लेंट करने के बाद जो फेसबुक के जो ओनर है पुलिस ने इमीडिएटली उनको मेल किया, और मैंने कहा कि मुझे वहाँ से लाइव जाना बहुत ज़रूरी है, और इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम हैक करवा दिया है, क्योंकि एक पोस्ट डाला था मैंने कोई जेल वेल का। तो फिर उन्होंने 24 घंटे में उन्होंने मेरा, जब मैं वहाँ पहुँची, 24 घंटे तो लगे मुझे यहाँ से मदीना फिर मक्का, वहाँ पहुँची तो मेरा इंस्टाग्राम मुझे मिल गया। इसके लिए मैं कुशीवारा पुलिस की शुक्रगुजार हूँ, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो ऑनर हैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा तत्काल मेल किया। पुलिस ने मेल किया तो 24 घंटे में आया, अगर पुलिस मेल नहीं करती तो शायद 2-4 दिन लगे। ओके, राखी पूरा उम्रा पूरा हो गया? उम्रा करने के बाद शांत रहिए प्लीज गाइस, मैं भी बहुत काम और कूल हो गई हूँ, एकदम काम और कूल हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने तवाफ किए, मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही शांति फील हुई, और ऐसा लगा कि मैं रो रही हूँ, ऐसा लग रहा कि मैं एक मेरी माँ की कोख में पहुँच गई हूँ, एक माता और पिता का सहारा मुझे वहाँ मिला, और मुझे मेरे मुसलमान भाई बहनों ने वहाँ मुझे इतना प्यार दिया, हर किसी ने प्यार दिया मुझे वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद उसके नसीब में नहीं था, हालांकि उसने बड़े वादे किए थे शादी के बाद कि हाँ मैं आपको उम्रा ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला उम्रा तो हस्बैंड या फैमिली के साथ ही होता है, लेकिन मुझे अकेले जाने मिला, और ये उसकी बदकिस्मती है कि वो वहाँ नहीं पहुँचे, और उसका ना बोल, क्योंकि वो लोग झूठे एक नंबर के हैं, वो शैतान के बच्चे हैं, झूठे एक नंबर के हैं, इसलिए मैं आपको बुलावा नहीं आया। शैतान के बच्चों के बारे में मुझे कुछ ना पूछा जाए। राखी जी, आप उम्रा कर रहे थे यहाँ, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में भी आपके सारे नाम चेंज हो जाएंगे, और अभी आप जैसे इस्लाम कबूल करेंगे। खुदा ने मुझे ऐसे ही पैदा किया है, और खुदा मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, खुदा को डॉक्यूमेंट्स की और नाम चेंजिंग की जरूरत नहीं है।